देश भर में कोरोना की रफ्तार में अब सुस्ती आ गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों की आवाजाही रोक दी थी, लेकिन अब रेलवे गैर जरूरी ट्रेनों को बंद करने की तैयारी में है। इसके साथ जिस रूट पर ट्रेनों की संख्या अधिक है, यात्री कम है, उस रूट की ट्रेनों को दूसरे रूट में शिफ्ट किया जा सकता है। मुरादाबाद रेल मंडल ने अघोषित रूप से 3 ट्रेनों के ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे प्रशासन देश भर की ट्रेनों के ऑपरेशन को लेकर मंथन शुरू कर चुका है। देश की आजादी के बाद सिर्फ ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया जाता था, लेकिन अब रेलवे जरूरत के अनुसार ट्रेन चलाने की तैयारी में है। रेलवे ने विचार किया है कि कुछ ट्रेन एक घंटे के अंतराल पर एक स्थान से दूसरी जगह जाती हैं। कई ऐसे रूट हैं जहां जरूरत से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि कुछ रूट ऐसे हैं जहां ट्रेनें बेहद कम हैं। अमृतसर हावड़ा के बीच एक घंटे के अंतराल पर पंजाब मेल और डुप्लीकेट पंजाब मेल चलती है। रेलवे ने इनमें से एक ट्रेन को गैर जरूरी ट्रेन माना है। ऐसे में रेलवे ने टाइम टेबल पर अपना फोकस बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले साल नवम्बर में जारी टाइम टेबल के अनुसार मुरादाबाद रेल मंडल होकर चलने वाली डुप्लीकेट पंजाब मेल रामनगर हरिद्वार एक्सप्रेस व सियालदह दिल्ली एक्सप्रेस का नाम हटा दिया गया है। उस समय रेलवे अधिकारी ने माना कि कोरोना के चलते ट्रेनें बंद की जा रही हैं। इस साल जुलाई से नया टाइम टेबल जारी किया गया तो पता चला कि रेलवे ने अघोषित रूप से 3 ट्रेनों को बंद कर दिया है। इसी तरह से रेलवे ने जिस रूट पर कम ट्रेनें हैं वहां पर ट्रेनों को बढ़ाने की तैयारी की है। लखनऊ हरदोई दिल्ली होकर कई ट्रेनें हैं। इस रूट पर चलने वाली डबल डेकर ट्रेन को लखनऊ से बख्शी का तालाब सीतापुर रोजा होकर दिल्ली तक चलाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए टाइम टेबल भी बनाया गया है। मौजूदा समय में कोहरे के कारण डबल डेकर ट्रेनें बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सच कहूं।